कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठी चार्ज का है, भर्ती स्टे का है, आज महंगाई महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है, किसान के लिए कीले गाड़ी गई, लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली, अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं, पराली मुकदमे वापिस हुए लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया, आज मजदूर गरीबी से मर रहा है, नदियां जो साफ होनी थी आज भी नदियां गंदी हैं, भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है, और सरकार की समय पर बत्ती गुल है, अभी कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई, वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी कौन भूल जाएगा, और जब लाशें जल नहीं थी शमशान घाट में तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी, दोगुनी महंगाई, आधी कमाई, महंगी थाली, महंगी बिजली, पेट्रोल डीजल खाद तेल, बेकारी, ठप व्यापार, नोटबंदी, इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगा है, और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी, और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली, न ये बुल संभाल पा रहे हैं न बुलडोजर संभाल पाएंगे, इसलिए मैं एक बार फिर आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी का, कौशल तिवारी जी का, विनय शंकर तिवारी जी का, और इनके जितने भी सहयोगी साथी आए, इनके परिवार के सदस्यों का, आए हुए सभी समर्थकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके आने से उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। अच्छा चौबे जी, जय चौबे जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ, साथ ही साथ जिन साथियों का नाम छूट गया हो, क्योंकि अध्यक्ष जी नाम ले चुके हैं, मैं सबका इस मंच से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ, जो साथी कमरे में नहीं आ पाए, हॉल में नहीं आ पा रहे, जो बाहर देख रहे होंगे कार्यक्रम, उनका भी मैं स्वागत भी करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी में आकर के आपने समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम किया है। निषाद सेना के अध्यक्ष आनंद निषाद जी का भी बहुत स्वागत, बुंदेलखंड सेना के हमारे नुमानी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई, श्रीमती रुक्मणी जी के साथ, और जो संजय क्या नाम उनका निषाद जो आपके साथ आए, तो जितने भी साथी इनके साथ आए हैं निषाद समाज के जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभी बुला लेंगे उन्हें। नहीं नहीं, आज उनसे सवाल मत पूछिए, सवाल हमसे पूछिए, नहीं नहीं इम्पोर्टेंट है तब भी हम ही इम्पोर्टेंट बताएंगे। जी 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 जी, पूछ लो, तुम भी पूछ लो, पत्रकार बन के सवाल। बोल देने बोल देने, कुछ नहीं, संसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नहीं पचासों बार ये कहा होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, और हमने ये गुहार भी लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल के अंदर उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद का उद्धार किया, लेकिन उस गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो आपके मातहत आगे बढ़ेगा और संसद से। ठीक है, इनका सुझाव अच्छा है, और ये भेदभाव करने वाले लोग कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि इसका प्रस्ताव समाजवादी सरकार बनते ही भेज दिया जाएगा, जिससे कि वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने,
और जो आपने अभी विधायक जी विनय शंकर तिवारी जी ने जो बात उठाई कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से अस्पताल में भेदभाव हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भेदभाव हुआ, ये भेदभाव वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, खाई पैदा करने वाली सरकार है, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार है। इसलिए सावधान रहे इन लोगों से और हम सब लोग मिलकर के इनको हटाने का काम करें। और अब तो समाजवादियों के साथ सब अंबेडकरवादी भी बैठ गए आके, तो अंबेडकरवादी और समाजवादी जब मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना निश्चित, क्योंकि आज सबके हक छीने जा रहे हैं, सबका सम्मान छीना जा रहा है, सबको डराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं और एकाध घटना नहीं, 150 नहीं, जिस समय जांच होगी उस समय आपको जानकारी मिलेगी किस तरीके से पुलिस को खुली छूट देकर के सरकार ने अपने सारे पर ये घटनाएं कराई हैं। और उसका परिणाम यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिसेस सरकार को दी हैं, न केवल नोटिस दी हैं बल्कि सरकार को पेमेंट भी करना है कुछ जगह पर, और कस्टोडियल डेथ भी सबसे ज्यादा हुई। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई जाए कारोबार और घूमने के लिए, वो व्यापारी अगर होटल में है तो पुलिस जाकर के घुस जाएगी और इतना मारेगी कि जान चली जाएगी। क्या एक घटना नहीं है ऐसी? उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर सरकार के ऊपर प्रश्न लगा हुआ है। अभी मैं बांदा गया था, एक ब्राह्मण परिवार का बेटा केवल सब्जी लेने गया, बाद में पता लगा परिवार उसकी जान चली गई और अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी मां रो रही, गिड़गिड़ा रही, धरने पे बैठी सीबीआई जांच के लिए, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही। मैंने उस परिवार से खुद कहा कि आप भूल जाइए इस बात को, ये न्याय देंगे आपको, समाजवादी सरकार बनेगी, हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बताओ, छोटा बच्चा किसी परिवार का अगर चला जाए बाजार में सामान लेने, सब्जी लाने, फल लाने और घर न लौटे तो सोचो कैसा परिवार पे गुजरेगा, उसके माँ बाप पर कितना संकट है दुख का। इसीलिए मैंने कई बार कहा आपसे कि परिवार वाले ही दुख समझ सकते हैं परिवार वालों का, जिनके पास परिवार नहीं है वो दुख नहीं समझ सकते। क्या वो गर्भवती माँ जो चल करके आई थी लॉकडाउन के समय पर, बेटी पैदा हुई तब भी वो घर पहुंची पैदल चलते चलते, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती थी? इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया इनका सफाया होगा। ये केवल इनकाउंटर नहीं, न जाने कितने आरोप हैं सरकार पर। अभी हमारा मैनिफेस्टो आ जाने दो, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें रहेंगी और इसलिए रहना जरूरी है कि आप बताइए, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा, परीक्षा नहीं हो पा रही, जांच कहां होगी, कोई एसआईटी करेगी, एक ही तरह की जांच, एक ही जगह जांच, कौन भरोसा करेगा इस सरकार पर? जो समाजवाद है वही अंबेडकरवाद है, जो अंबेडकरवाद है वही समाजवाद है। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी दोनों ही जाति उसको तोड़ना चाहते थे। एक मिनट का सवाल हो जाए। दिल्ली से गोरखपुर की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है और ये एक पत्रकार के सवाल के साथ साथ तमाम गोरखपुर वासियों का सवाल है। लखनऊ से दिल्ली जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि बीच में पड़ता है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे। गोरखपुर वालों का सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और एक राम जानकी मार्ग है। ठीक है, मैं समझ गया। अरे नहीं, बैठा नहीं, यंग ए नया पत्रकार है, बोल ले तो भाई। हाँ ठीक है, मैं समझ गया बात को। ठीक है, ठीक है, मैं बात समझ गया। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ आपकी।
मुझे याद है कि बाबा मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही झांसी चले गए थे। बाबा मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही सबसे पहला दौरा झांसी हुआ उनका, और वो झांसी में जाकर के खड़े होकर के कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए हम एक्सप्रेसवे बनवा देंगे। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता था कि झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है। जो गोरखपुर की बात की है, मैं अपने नौजवान साथियों गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी सरकार थी तो कोशिश थी कि लखनऊ के किसी कोने से किसी जिले से कोई अगर लखनऊ आना चाहे तो वहां के लोगों को 4.5 घंटे से ज्यादा समय लखनऊ पहुंचने में नहीं लगना चाहिए। इसीलिए लगातार एक्सप्रेसवे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से जोड़ा जा रहा था। मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता आगरा लखनऊ से भी बेहतर होती, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्योंकि जानते नहीं है कुछ चीजें, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता गिरा दी है, खराब की है। गोरखपुर के लिए सड़क बन जाएगी और एक्सप्रेसवे जिस तरीके से जुड़ रहा है उससे जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा राम जानकी मार्ग। अगर आपको याद हो तो एक बस यात्रा चली थी, और वो यात्रा बस चल रही कि नहीं चल रही, जो नेपाल बॉर्डर से चलती थी, और उस समय मैंने मांग की थी कि जिस यात्रा में लोगों की आस्था जुड़ी है, भरोसा जुड़ा है, लोग परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं, हमारी धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, उस सड़क को 6 लेन बनना चाहिए, 6 लेन। मैं आज भी मांगता हूं, और इस नौजवान जो पत्रकार है उससे जुड़ता हुआ कहता हूं कि सरकार को इसकी बात सुननी चाहिए, हमारी न सुने, और हमने नहीं सवाल इससे पूछवाया, अपने आप इसने सवाल किया है। वो तो बात इसके सवाल से मुझे याद आ गई है कि कम से कम नेपाल को जोड़ने वाली सड़क जिसकी समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि 6 लेन बनना चाहिए, दिल्ली में यूपी में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कब इस मार्ग को 6 लेन बनाएगी ये बता दें। कौन बोल रहा है ये? उनका घर चेक करो, अभी भी लाल टोपी मिल जाएगी, और हो सकता है छिपा के रखी हो उन्होंने कि कब पार्टी बदलनी पड़ जाए। इसलिए बाबा मुख्यमंत्री जी को सावधान रहना चाहिए, जेब में रखे लाल टोपी मिलने ना चले जाए उनसे। देखिए, ये लाल टोपी का सवाल नहीं है, सवाल मैंने अभी तुम्हें आपको पढ़ के सुनाया, मैंने मुद्दे क्या है, क्या फरार कप्तान समाजवादी सरकार में हुआ था, क्या फरार कप्तान पकड़ा गया आज, हमें आप बताओ फरार कप्तान पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, झूठी जांच कर रही सरकार, इनका झूठा प्रचार है, इनके वादे जुमले हैं, इनके पास झूठ का फूल है, अत्याचार इनकी सरकार में, उत्पीड़न इनकी सरकार में, झूठे इनकाउंटर, झूठी हत्याएं कितनी हुई है सरकार में बताइए। इसलिए जनता इनको हटाना चाहती है, सवाल रंग का नहीं है, सवाल किसी टोपी का नहीं है, ये बहस को बदलना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। अखिलेश जी, एक मेरा सवाल है, एनसीआरबी 2020 का आंकड़ा